वन ही क्लिक में अपना हेयर स्टाइल कैसे तब्दील करे, वो भी AI टूल की मदद से। ए बता ना, बता। यार बताता हूँ, सबसे पहले आपने कोई भी मोबाइल ओपन करना है, आया एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, और यहाँ पे आपने ये वाला एप्लीकेशन ओपन करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन और फेसबुक के पोस्ट कमेंट से मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा, डाउनलोड पर क्लिक करें, एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर प्लस आइकान के ऊपर क्लिक करना है या सी आल के ऊपर क्लिक करना है और वही तस्वीर सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने एडिटिंग करनी है, यानी हेयर स्टाइल को चेंज करना है। तो मैंने फटाफट तस्वीर को सेलेक्ट करना है, ये तस्वीर मैंने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद अगर कुछ एड्स आ गई तो इसको स्किप करना है, एड्स को स्किप करना है। एड्स स्किप करने के बाद यहाँ पे आपको सामने एक ऑप्शन आ जाएगा टूल्स, टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 6 नंबर पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है AI रिप्लेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। AI रिप्लेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे तस्वीर को जूम करना है उंगली की मदद से और यहाँ से इसको इसी तरह सेलेक्ट करना है उंगली की मदद से, हेयर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है। रिप्लेस के ऊपर क्लिक करोगी तो यहाँ आपने टाइप करना है हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल, और यहाँ पे डन करना है। जनरेट इमेज के ऊपर क्लिक करोगी तो यहाँ पे कुछ सेकंड लगेगा, वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने दो तस्वीर जनरेट हो जाएगा, आप ये खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेयर स्टाइल चेंज, जो भी आपको पसंद है वही के ऊपर क्लिक करना है। ये मुझे पसंद है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये हो गई वन ही क्लिक से आपका हेयर स्टाइल चेंज। इसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई के बाद नेक्स्ट करना है, एड्स वगैरह को स्किप करना है और सेव करना है। तो इसी तरह आप लोग अपने हेयर स्टाइल वन क्लिक से तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को भी लाइक करें। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।